हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सिस्ट के डे 67 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टर्न पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या इस चैलेंजिंग सीरीज के राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आज का क्वेश्चन जो हमारा है, एक्स्ट्रा डाटा क्वेश्चन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाटा को स्किप करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 आवर। ए जो है कितना देर में भरता है, 45 घंटों में भर देता है, ठीक है। बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। जो जो बोलेगा लाइन बाय लाइन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। बी जो है ए से 50% अधिक है, यानी कि ए अगर 100 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 150, यानी 50 से 3 यहाँ दो बार में, यानी कि इसका इफिशियंसी निकल गया कितना हमारा, 3/2। हमको मालूम है कि ए का टाइम दिए हुए है, ए का एफिशिएंसी रेशियो के अकॉर्डिंग 2 निकल गया, तो टोटल वर्क हम यहाँ से थोड़ा देर के लिए बोल देते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, 45 गुना 2, ठीक है। जब 45 गुना 2 हो गया तो अब आगे क्या बोल रहा है कि पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 7.5 आवर लेस देन बी। बी से 7.5 घंटा कम में भरता है, तो बी इसको भरने में समय कितना लगेगा, तो बी का जो समय हो जाएगा, ठीक है, बी का समय कितना हो जाएगा, हमारा काम कितना हो गया 90, तो बी का समय कितना हो जाएगा, काम बटा में कितना उसकी इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो बटा में जब 3 कर दिया तो कितना हो गया, 30 आवर में बी भर देगा। तो यहाँ पे बोला था हमको क्वेश्चन में कि सी जो है बी से 7.5 घंटा कम, यानी 30 - 7.5 डेट इज़ वॉट 22.5 आवर लेगा, यानी सी कितना समय लेगा हमारा, 22.5 घंटा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा जब सी 22.5 घंटा लिया है, टोटल वर्क हमारा 90 है, तो सी का जब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा में हमारा कितना टोटल टाइम, 22.5 से हम जब इसको काटेंगे तो ये क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है ये 4 बार में कटेगा, यानी कि सी का इफिशियंसी कितना निकल गया, 4। अब ये जो इफिशियंसी निकला ये 90 वर्क के लिए निकला है, 90 वर्क के अकॉर्डिंग हमारा ए बी का इफिशियंसी कितना है, 3 और 2 है, ठीक है। तो आगे अब हमारा ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी मुझे मालूम हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी ओपेंड टुगेदर फॉर एक्स आवर, ठीक है, ए और बी को एक्स आवर के लिए खोल दिया जाता है। तो ए और बी जब एक्स आवर तक काम करेंगे, यानी कि क्या 3+2 यूनिट ही काम करेंगे, कितने देर तक काम किया उन लोगों ने, एक्स आवर तक काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद एंड क्लोज्ड आफ्टर डैट, और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। एंड पाइप सी फिल द रिमेनिंग टैंक इन x+9 आवर। पाइप सी जो है उसको x+9 आवर में करता है, यानी पाइप सी का एफिशिएंसी कितना है ये, और उस कितने देर में भरता है, x+9 आवर में, और इस तरीके से हमारा कितना काम कंप्लीट हो जाता है, 90, ठीक है। तो और फिर आगे बोल रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द टैंक फिल्ड बाई ए बी टूगेदर टू टैंक फिल्ड बाई सी इज 1:2। ए बी जितना काम किया और सी जितना काम किया उसका रेशियो आपको दे दिया है 1:2, ठीक है। तो 1:2 जब दे दिया तो आपको क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू निकालना। लिटरली हम तो इस इक्वेशन से ही यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते, तो ये वाले लाइन का तो हमें कोई यूज ही नहीं रह गया, ठीक है। ये वाला लाइन का मुझे कोई यूज नहीं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं इस लाइन को यूज़ करना तो हम इस लाइन को यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिना यूज़ करके देखते हैं, 3, 2, 5x, यहाँ से 4x, यानी कि कितना हो जाएगा, 9x। 9 × 4 हमारा होता है 36, इज इक्वल टू हमारा कितना है, 90। 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 - 36, डेट इज नन अदर देन 54। 9 से मैंने इसे काट दिया 6 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 6, यहाँ से तो x हमारा निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में अगर इस लाइन को यूज करना है, इफ द रेशियो वाला लाइन, तो इफ द रेशियो जो दिए हुए है, रेशियो किस चीज का दिए हुए है, हमारा काम होने का, ठीक है। किसका रेशियो दिए हुए है, ए प्लस बी का सी के साथ 1:2। ए प्लस बी काम कितना करता है, 3, 2, 5 यूनिट काम करता है, कितने देर तक काम करता है, एक्स घंटों तक काम करता है। सी कितना काम करता है हमारा, सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, और ये काम कितना देर तक करता है, x+9 आवर। तो यहाँ से मैंने लिख दिया x+9 आवर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1.2। आप इसको भी सॉल्व करके तो x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पे, तो ये मुझे देगा 10x, और यहाँ पे इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 4x, और प्लस में कितना, 9 × 4 = 36। 10x में से 4x चला गया, यानी कि कितना, 6x इज इक्वल टू 36। 6 से कट गया कितना बार में, 6 बार में, यानी कि यहाँ से भी x की वैल्यू जो निकल गई मुझे वो कितनी निकल गई, 6 निकल गई।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह ध्यान में रखना होता है कि किसी से भी किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और कुछ इक्वेशन को कुछ लाइन को हम स्किप करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 6, और इसी के साथ हमारा आंसर 6 है। होप आप लोगों को क्लियर होगा।